नमस्कार बच्चों, आज जो है आगे अगली कविता करते हैं, कविता पूछा और इसकी कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वैसे तो बच्चों इससे पहले आपकी एक और कविता है आत्म तथ्य कवि जयशंकर प्रसाद की, लेकिन अभी वो छोड़ दिए बच्चों। उसमें जो है मतलब भावात्मक तरीके से ज्यादा जो बताया जाएगा, भावार्थ के रूप में ज्यादा आपको बताया जाएगा, तो वो आपको इतनी अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगी। जब आप क्लास में होंगे तो उस समय वो करेंगे। अब हम पहले बात जो है उसको छोड़ करके आगे जो जो आपका कवि है जयशंकर प्रसाद, तो अगले कवि आपके जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनकी जो कविता है उत्साह कविता कहते हैं। ये कविता बच्चों आपकी जो उत्साह कविता है इसमें कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बादलों से जो है आह्वान किया है, बादलों से प्रार्थना की है कि हे बादलों तुम जो है खूब गरजो और खूब बरसो। जब बारिश होती है तो चारों तरफ का वातावरण जो है बहुत ही जो है खुशहाली का वातावरण होता है, तो बहुत ही गर्मी के कारण जो चारों तरफ से लोगों का हाल बेहाल हो गया गर्मी की वजह से, तो ये बादलों आप जो है बरसो। तो सबसे पहले जो है आपको क्या लिखना होता है कि सबसे पहले आपको भाव सौंदर्य बताना होता है। ये पद एक और दो दोनों इकट्ठे ही कर लिए हैं बच्चों, तो जो है आप इसी तरह से ही कर लेना। तो इसमें जो है सबसे पहले आपको जो पता है कि कविता का नाम उत्साह है, कवि का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, आपकी कौन सी जो है किताब से लिया गया है ये क्षितिज भाग दो। तो आप जब भाव सौंदर्य लिखेंगे तो प्रस्तुत पंक्तियां या प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग दो में से कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता उत्साह से लिया गया है। इसमें कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने जो है बादलों से आह्वान किया है कि वे वर्षा करके संसार में खुशहाली फैला दे। उसके बाद जो है ये आपने भाव सौंदर्य में पहले लिख करके फिर आगे जो है लिखना है कि बादल गरजो घेर घेर और गगन धरा धर को ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। कभी जो है बादलों से आह्वान करते हुए कहते हैं कि हे बादलो तुम खूब गरजो तुम खूब बरसो, घेर घेर घोर गगन धरा धर को तुम सारे सन आकाश में छा जाओ और सारे आकाश को घेर लो। गगन का मतलब क्या होता है बच्चों? आकाश। के ये बादलो तुम चारों तरफ से जो है आकाश में छा जाओ और सारे आकाश को घेर लो। ललित ललित काले घुंघराले, कवि जो है वो बादलों से कहता है कि तुम जो है काले घुंघराले बालों की तरह बहुत ही सुंदर हो। ललित 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 का मतलब क्या होता है? सुंदर। तुम काले घुंघराले बालों की तरह बहुत ही सुंदर हो, बाल कल्पना कैसे पाले तुम बालक की कल्पना के समान पाले गए हो। विद्युत छवि उर्मी कवि नव जीवन वाले वज्र छिपा नूतन कविता, तुम अपने हृदय में बिजली की शोभा को समाये हुए हो। कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहता है कि विद्युत छवि उर्मी, उनका मतलब क्या होता है बच्चों? हृदय में। कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बादलों तुम अपने हृदय में बिजली की शोभा को समाये हुए हो, तुम जो है वर्षा करके सारे संसार में खुशहाली फैला दो। वज्र छिपा नूतन कविता, तुम्हारे भीतर वज्र की शक्ति विद्यमान है, ये बात दो तुम खूब गरजो तुम खूब बरसो और चारों तरफ जो है संसार में खुशहाली फैला दो। यहाँ पर संबोधन शैली का प्रयोग किया गया है, बादलों को जो है संबोधित किया गया है कवि के द्वारा। आगे अगला पद है जो आपका बच्चों को साथ में ही कर लेती है क्योंकि इसमें दो ही पद है और वो भी बिल्कुल छोटे छोटे साधारण सी भाषा में जो है दिए गए हैं। विकल विकल
उन्मन थे उन्मन विश्व के निधान के सकल जन। विकल विकल का मतलब क्या होता है बच्चों? बेचैन। उन्मन अनमना। विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निधान के सकल जन। सकल जन सारे लोग, सकल सारे जन लोग। निधान, निधान का मतलब तपती गर्मी में। ये विश्व के सारे लोग जो है वो बहुत ही व्याकुल थे, अनमने थे और गर्मी से पीड़ित थे। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। केवल दो तुम किसी अज्ञात दिशा से जो है तप्त धरा जल से फिर। के बाद दो तुम किसी अज्ञात दिशा से आकर आकाश में छा जाओ और इस तपती हुई धरती को शीतल कर दो। के बाद दो तुम खूब गर्जो, तुम खूब बसो। कवि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बातों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बातों जो है तुम संसार के सारे लोग जो है गर्मी के कारण बहुत ही व्याकुल और बेचैन थे, अनमने थे, तो जो है बहुत गर्मी से बहुत ही परेशान थे। विश्व तो तुम जो है किसी अज्ञात दिशा से आ करके और आकाश में छा जाओ और तपती हुई धरती को शीतल कर दो। के बाद दो तुम खूब गर्जो और तुम खूब बसो। ये आपने कितना बच्चों किसमें करना है? भाव सौंदर्य में। उसके बाद बच्चों भी आपने बताना है किसका शिल्प सौंदर्य और भाषागत विशेषता। शिल्प सौंदर्य में बच्चों आपको पता है कि आपने क्या बताना है। पहली पंक्ति में वो बताना है कि जो कि इस जो पंक्तियों में बताया गया है कि कवि के बातों से आह्वान किया है कि वे वर्षा करके संसार में खुशहाली फैला दे। फिर बात आती भाषा की, कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तो इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। कौन सा गुण है बच्चों? ओज गुण विद्यमान है। कौन सा छंद है? अतुकांत छंद का प्रयोग किया गया है। और जो है संबोधित शैली का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास, उपमा, मानवीकरण, अलंकारों का प्रयोग किया गया है। इसके बाद जो आपने बताना है भाषागत विशेषताएं। भाषागत विशेषता में आपने क्या बताना है? इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है, संबोधित शैली का प्रयोग किया गया है, भाषा सरल और सहज है। तो यहाँ पर कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा उत्सव कविता के माध्यम से कवि ने जो है बादलों से जो है बरसने के लिए आह्वान किया है कि हे बादलों तुम खूब गर्जो, आकाश में छा जाओ, खूब बरसो, ताकि संसार के लोग जो गर्मी से परेशान है तो उनको थोड़ी राहत मिले और संसार में चारों तरफ लोगों को खुशहाली फैल जाए। इसके अलावा बच्चों आपने इस कविता के अभ्यास के जो प्रश्न दे रखे हैं वो करने हैं। आपके बहुविकल्प के प्रश्न हैं वो करने हैं। देखो बच्चों जब हम कविता का जो भाव सौंदर्य शिल्प सौंदर्य भाषागत विशेषता कर लेती हैं तो आपको कविता अच्छी तरह से समझ में आ जानी चाहिए। अब इतना तो हो नहीं पाता कि हर जो आपका प्रश्न है इस तरह से करवाया जाए, तो ये करने के बाद आप अच्छी तरह से इसके प्रश्न उत्तर भी कर सकते हैं। तो ये कविता बच्चों आपने अच्छी तरह से करनी है। आगे कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की अगली कविता, इनकी अगली कविता भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, अब नहीं रही।